पोल नूं रद्द कीता गया है। दस कि भाजपा आगू हमेशा ने एग्जिट पोल से सवाल चुके ने ते पोलां दी विश्वनीयता ते भी उमेश शारथा दे वल्लों सवाल चुके गए ने ते उत्थे इंडिया न्यूज़ पंजाब दे नाल भी खास गलबात की गई है उमेश शारथा दे वल्लों। की गलबात की है तुसीं भी सुनो। चोन नतीजे आने कुछ घंटे जे एक दिन जरा कि रह गया वा हरेक जे न्यूज़ चैनल ने अपने अपने सर्वे जे दिते सारे इस वे भारतीय जनता पार्टी तो उमेश शारदा जी बूथ मैनेजमेंट इंचार्ज पंजाब से उन्होंने गलबात सर सब तो पहला स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब। धन्यवाद जी, बहुत बहुत गुरुदान जी, नमस्कार, धन्यवाद। जिस तरह की हरेक न्यूज़ चैनल ने जे कि अपने सर्वे दसे कोई जरा कि आम आदमी पार्टी ने 100 सीट दे रहा, कोई 60 सीटा दे रहा, जिसे कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई 5 सीटा दे रहा, कोई 7 दे रहा, किसी कांग्रेस तो जो उन्होंने पता ही जरा कि साफ किया है कोई 5-7 सीटा दे। देखो इस तरह भी हर एक बंदे को अपनी गल कह हक हों, लेकिन कोई भी चीज़ है वो विश्वसनीयता के उत्ते विचार जरूर कर लेना चाहिए। कोई चीज़ भी आप बाजार से लैन जाने वो ट्रस्टवर्दीनैस और क्वालिटी और गरंटी वो दो चीज़ा जरूर देखते हैं। मैं कुछ समय थोड़ा तो पिछोकड़ दे विच जान लई इजाजत लवांगा। एग्जिट पोल्स के मामले पर आप कुछ थोड़ी पुरानी गल करिए। 2012 के भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल की पंजाब सांझी सरकार सी जो दोबारा चुनाव होया। चुनाव खत्म होने तो बाद नतीजे आने तो पहला एग्जिट पोल आया, आम आदमी पार्टी कांग्रेस नू उस वेले कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप जो चुनाव लड़िया गया सी बड़ी वड्डी मेजोरिटी के नाल एग्जिट पोल दिते गए कि सरकार बनाने जा रही है। 2 दिन बाद रिजल्ट आए, श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी नू बड़ी वड्डी मेजोरिटी मिली और कांग्रेस कितने भी नहीं नज़र आई, 40 तो भी थले रह गई। श्रोमणी अकाली दल बीजेपी ने दोबारा सरकार बनाई पंजाब के अंदर। 2014 आ गया, देश के अंदर लोग सभा के चुनाव हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री साढ़े नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस वे कैंडीडेट डिकलेयर किया गया सी एनडीए वालों। देश भर के चुनाव हुए, रिजल्ट आने तो पहला एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल से कहा गया तुहानू शायद याद होगा कि एनडीए 240 तो 250 सीटा मिलनगियां, 25 तो 30 सीटा की शॉर्ट लोड़ पै सकती है केंद्र दे विच भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नू सरकार बनाने वास्ते। 2017 दे विच फिर पंजाब दे विच चुनाव आया, चुनाव लड़िया गया और आम आदमी पार्टी का एग्जिट पोल दे विच 90 तक सीटा दिखाती हैं कि बहुत वड्डी मेजोरिटी नाल आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। रिजल्ट आए, नतीजे आए, कांग्रेस नू 72 सीटा मिली, आम आदमी पार्टी 20 ते सिमट के रह गई, 22 ते सिमट के रह गई। 1.5 महीने दे विच स्प्लिट हो गई, 2 फाड़ हो गई, 12 ते रह गई, होर अलग हो गए बंदे उन्होंने तो। हाँ जी, उस तो बाद 2019 फिर चुनाव आ गया, केंद्र दे विच फिर दोबारा चुनाव होया, क्या गया जी मोदी जी सरकार तो रिपीट कर लेंगे लेकिन सीटां थोड़ियां 10-12 घट जाएगियां पहले नालों। नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी नू अकेले अपने दम ते 303 सीटा और एनडीए नू 336 सीटा मिली। कल दे चुनाव दे जिहड़े एग्जिट पोल आए आ उन्हां नू इस ट्रस्टी वर्दी नाल भी उन्हां दा पिछला रिकॉर्ड की आ उहदे नाल कंपेयर जरूर कीता जाए। दूसरा, मैं अज देख रहा सी एक अखबार ने सारे चैनलों के एग्जिट पोल्स जिहड़े आ सारे चैनलों के कितने भी नहीं कहांगा चैनलों पर प्रसारित हुए ने, अलग अलग कंपनियां दे अलग अलग एग्जिट पोल दी सर्वे कंपनियां ने अपने नतीजे दसे। एक महानुभाव पंजाब च कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को 100 सीटा मिल रही और बीजेपी को 1 मिल रही है। मेरी उस सर्वेक्षण कंपनी को यह सवे निवेदन कि वो 1 सीट बीजेपी कहनी जित रही सानू दस दौ, ग्राउंड रियालिटी से गल करनी बैठ के गल कर और कम एसी बंद कमरे बैठ के गल करके क्याफे लाने बड़ा अंतर होंगे। पंजाब के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी बना जा रही है, बड़ी सिंपल गल है। सो इस साढ़े नाल जिहड़े कि भारतीय जनता पार्टी तो उमेश शारद जिहड़े कि बूथ मैनेजमेंट जिहड़े कि इंचार्ज पंजाब कैमरामैन ऋषि के नाल सुनील गुगना इंडिया न्यूज़ पंजाब कपूरथला।